नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार एक सौ देख रहे हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों पहले मोतिहारी में कुछ अपराधियों ने हत्या कर दी थी और कल चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान पहुंचकर पीड़ित परिवार से शोकाकुल और संवेदना भी वहां प्रकट करते हुए चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की है। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान की चर्चाएं हो रही है और आपको बता दें, लगातार चिराग पासवान इन दिनों बिहार के राजनीति में पूरे सक्रिय हैं और बिहार में कहीं भी कोई अपराधी घटना घट रहा है तो चिराग पासवान वहां सबसे पहले पहुंच रहे हैं। देखिए, हाल ही में चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और जैसे ही पटना लौटे उसके बाद फिर से बिहार के राजनीति में सक्रिय हो गए। देखिए, चिराग पासवान कल पूर्वी चंपारण पहुंचे और वहां पर अंकित कुमार के परिवार से मिले। वह अंकित कुमार जिसे कुछ दिन पहले अपराधियों ने हत्या कर दिया और परिवार से मिलकर चिराग पासवान शोकाकुल व्यक्त करते हुए सभी से संवेदना भी प्रकट किए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई सांसद हैं चिराग पासवान। इन दिनों अपने पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को और मजबूत करने में लगे हैं। हाल ही में चिराग पासवान जिस तरह पटना एयरपोर्ट पर आते ही उन्होंने नागालैंड का चर्चा किया कि नागालैंड में चुनाव में बिहार से सोच रहे थे चिराग पासवान की बाहर भी उनका खाता खुले, लेकिन एक नहीं बल्कि दो सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीत हासिल की और चिराग पासवान दोनों विधायकों को दिल्ली में स्वागत किए। देखिए, लगातार चिराग पासवान चर्चा का विषय बने हुए हैं और इन दिनों चिराग पासवान जिस तरह से लगातार बिहार में हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारियों से मिलकर पार्टी के कुंभा को और मजबूत करने में लगे हैं। देखिए, होली खत्म हुआ और सामने 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी अपना अपना तैयारी करने में लग गई है। तो ऐसे में लोजपा रामविलास भी लगातार इन दिनों क्षेत्र भ्रमण कर रही है और चिराग पासवान भी हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चिराग पासवान कल पूर्वी चंपारण मोतिहारी पहुंचे और वहां पर दो जगह गए। दोनों जगह अपराधियों ने कुछ दिन पहले जिस प्रकार हत्या कर दी थी तो चिराग पासवान वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और पूरे मामले पर चिराग पासवान अपने स्तर से बातचीत किए और सब कुछ जानने का प्रयास किए कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और कहाँ तक प्रशासन इसमें कार्रवाई की है। देखिए, लगातार चिराग पासवान इन दिनों जिस तरह से लगातार सभी जगह पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में चिराग पासवान जिस तरह से अपना तैयारी कर रहे हैं तो इसका असर सीधा दिखने वाला है। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।